हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका नेक्स्ट लेक्चर अद्वैत केमिस्ट्री में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं अमीन्स के बारे में, एनिलीन के बारे में, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे डायजोनियम साल्ट के बारे में। तो आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो अमीन्स पे रहेगा। तो अमीन्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, फिर हम पढ़ेंगे इसकी IUPAC नेमिंग किस तरह की जाती है, और थर्ड हम करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सब हम आज करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करना चाहूँगा। इसका स्ट्रक्चर अमोनिया के जैसा होता है। बेसिकली अमीन्स जो है दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया यानी कि NH3। तो अमीन किस तरह दिखाई देते हैं, मैं R से डिनोट करूंगा हाइड्रोकार्बन की चेन, मतलब कार्बन की चेन होगी बेसिकली ये। तो जब मेरे पास अमोनिया है स्टार्टिंग में, और मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें R को ऐड कर देता हूँ, H कर देता हूँ माइनस, तो मुझे मिलता है RNH2। अब इसे हम कहते हैं प्राइमरी अमीन। उसके बाद फिर से अगर मैं एक और R जोड़ देता हूँ और H कर देता हूँ माइनस, तो मुझे मिलता है R2NH। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी अमीन। और जब इस सेकेंडरी अमीन में एक और R को जोड़ दिया जाता है, H को कर देते हैं माइनस, तो हमारे पास बनता है R3N, जिसे हम कहते हैं टर्शरी अमीन। एंड देन अगर मैं एक और R जोड़ देता हूँ, तो इस केस में ये R इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। बेसिकली सभी R जो जुड़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक मेथड से जुड़ेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे एक रिएक्शन में बाद में। तो हमारे पास बनता है R3N में एक और R जोड़ने के बाद R4N पॉजिटिव। ये क्वार्टनरी अमीन है और ये एक सॉल्ट की तरह काम करता है। तो ये हुआ अमीन्स कैसे होते हैं। अब हम अमीन का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब क्योंकि अमीन्स अमोनिया से बने होते हैं, और हम ये जानते हैं अमोनिया में जो N है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, यानी कि इस तरह से। और ऊपर की तरफ एक हमारे पास लोन पेयर होगा लाइक दैट। तो ये ज्योमेट्री है हमारे पास अमोनिया की। अब हमने किया क्या है कि हमने HS को रिप्लेस किया है R ग्रुप के साथ, और ध्यान दे R जो है बेसिकली यहाँ पे एक तरह की हाइड्रोकार्बन चेन है, यानी कि यहाँ पे जो R का साइज होगा वो बड़ा होगा एच के साइज से। और अगर साइज बड़ा है तो जो यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है उनके बीच रिपल्शन क्रिएट होगी, जिससे बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। और यूजुअली जो बॉन्ड एंगल होता है अमोनिया में वो 107 डिग्री का होता है। तो जैसे जैसे मैं R रिप्लेस करूँगा विद एच, तो जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज करेगा। तो लेट्स से इस केस में मैं R को CH3 मान लेता हूँ, यानी कि मिथाइल ग्रुप। तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है H। अब जो ये बॉन्ड एंगल होगा, जिसे मैं x कह रहा हूँ,
ये बॉन्ड एंगल अब ज़्यादा होगा 107 डिग्री से। और जैसे जैसे ये एच रिप्लेस होंगे सी एच थ्री से बॉन्ड एंगल हमारा बढ़ता जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर मैं एक जनरल ट्रेंड की बात करता हूँ तो बॉन्ड एंगल जो है वो प्रोपोर्शनल है साइज के। मोर साइज मोर बॉन्ड एंगल। साइज किसका होगा? नेबरिंग एटम का। तो यानी कि अगर मेरे पास क्वार्टनरी अमीन है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, फिर टर्शरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का और फिर अमोनिया का। तो ये हमारे पास है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। तो ये देखिए, ये है हमारा अमोनिया का मॉलिक्यूल, जिसमें ये जो वाइट है ये हाइड्रोजन है और जो ये ब्लू है ये हमारा नाइट्रोजन है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब मैं एक हाइड्रोजन को किसी मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देता हूँ तो बल्किनेस किस तरह शो होती है। सो नाउ एज यू कैन सी, द ब्लू पार्ट इज़ द नाइट्रोजन एंड द वाइट पार्ट इज़ द हाइड्रोजन एंड द ग्रे पार्ट इज़ द मिथाइल ग्रुप। दिस इज द मिथाइल ग्रुप। सो एज यू कैन सी, आई हैव रिप्लेस्ड वन मिथाइल विद द हाइड्रोजन एंड यू कैन सी दैट इट हैज़ बिकम मोर बल्कियर देन बिफोर। And now, what have I done? I have replaced two hydrogens by the methyl group, and this is now your secondary amine. It has become more bulkier, as you can see here clearly. So now, this is your tertiary amine. As you can see, I have replaced all the hydrogens with the methyl. It has become more bulkier, and angle has also been increased. Now this is your quaternary amine, which central part is the nitrogen and rest are the hydrogens. Geometry as you can see is tetrahedral. Now the bond angle has increased significantly as you can see clearly in this 3D model. And now I have aligned all the compounds of nitrogen, and this one is the ammonia, this one is the primary amine, this one is the secondary amine, this one is tertiary amine, and this one here is the quaternary amine. As you can see this, the significant difference in the bond angles. ये हुआ structure की बात। अब हम जरा आ जाते हैं IUPAC naming पे। तो IUPAC नेमिंग में अमीन्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसका सफिक्स जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अमीन, और अगर मैं इसका प्रीफिक्स यूज़ करता हूँ तो दैट विल बी कॉल्ड अमीनो। ओके, तो हम तीनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन के नेमिंग करेंगे अभी यहाँ पे। तो पहले मैं प्राइमरी अमीन का एग्जांपल लेता हूँ। एक रूल तो आप जानते ही हैं, पहले कार्बन का नंबर काउंट करना है। कार्बन का नंबर काउंट करने के बाद हमें ये चेक करना है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। देन वील हैव टू नेम दैट एंड देन वील चेक लास्टली द फंक्शनल ग्रुप। तो पहली बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे दो ही कार्बन हैं, तो दो कार्बन से हमारे पास नाम बनता है एथ। अब कार्बन्स के बीच का बॉन्ड सिंगल है तो ये कहलाया जाएगा एन, और यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो अमीन है, तो एन के बाद हम अमीन लगा देंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड इथेन अमीन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब मैं बॉन्ड लाइन मेथड के थ्रू इसको दिखा रहा हूँ ज़रा यहाँ पे। तो हमें इस कंपाउंड का नाम करना है। अब पहली बात हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कितने कार्बन हैं, तो दैट विल 1 2 3 4 5। तो पांच कार्बन है, पांच कार्बन से नाम बनता है पेंट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो यहाँ पे नाम आया एन सफिक्स। अब नंबरिंग हमें करनी है अमीन की, सो ये 1 2 3 पर है, तो पेंटेन 3 अमीन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके,
अब हम ज़रा एक बार आ जाते हैं सेकेंडरी सिस्टम की नेमिंग के ऊपर। सेकेंडरी में बेसिकली जो नाइट्रोजन है वो जुड़ा होता है दो हाइड्रोकार्बन की चेन से और एच होता है अलग से। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हमारे को दिखाई देता है तो वो सेकेंडरी अमीन में आ जाता है। तो इसका हम नाम करते कैसे है? लेट्स से ये आर डैश जो है वो छोटा है आर से, तो जो ये आर है ये तो हमारा मेन चेन में आ जाएगा और जो ये आर डैश है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा। यानी अगर सब्स्टिट्यूएंट में आता है तो इसका हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो इस कंपाउंड का जो जनरल नेम है वो बनेगा एन एल्काइल एल्केन अमीन। लेट्स से ये आर एल्केन था। एन एल्काइल क्यों कहा गया इसको? क्योंकि जो ये आर डैश है वो एन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसको एन एल्काइल कहा गया है यहाँ पे। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे समझने के लिए, तो मेरे पास इस तरह का एग्जांपल निकल के आता है एक, यानी कि ये। तो हम ध्यान दे पा रहे हैं कि जो यहाँ पे इथाइल है वो मिथाइल से बड़ा है, तो जो मेन चेन में नाम वो इथाइल का है यानी कि इथ, और ये एन तो है ही और अमीन आ जाएगा इथेन अमीन। और ध्यान देंगे कि जो मिथाइल है वो एन से कंबाइन है तो दैट विल बी कॉल्ड एन मिथाइल इथेन अमीन। इस तरह से लेट अस स्टार्ट कि हम इसका एक बार टर्शरी अमीन का भी नाम कर सकें। इसकी बाकी एग्जांपल्स हम जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेंगे हम देखते जाएंगे और इनके नाम भी हम साथ साथ करते जाएंगे। तो टर्शरी अमीन में क्या होगा कि हमारे पास जुड़े होंगे तीन आर। तो लेट से मैं कहता हूँ यहाँ पे अजम्पशन के तौर पे कि आर बड़ा है आर डैश से, और मान लेते हैं कि ये सिमिलर है या बड़े भी हो सकते हैं आपस में आर डबल डैश से। तो अब ये आर क्योंकि बड़ा है तो ये हमारा मेन आ जाएगा एंड दीज टू विल बी सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि इनकी प्रीफिक्स यूज होगी। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे तो क्या बनेगा? तो एन है मेरे पास मान लेते हैं सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। लेट्स से मैंने यहाँ पे सी एच थ्री ले लिया और यहाँ पे मैंने सी टू एच फाइव ले लिया और ये लोन पेयर हो गए। तो मुझे अब इस कंपाउंड का नाम करना है। ओके, तो हमारे पास इस तरफ एल्कीन है, ये एल्केन है, ये भी एल्केन है। तो हम ये जानते हैं एल्कीन की प्रेफरेंस एल्कीन से ज़्यादा होती है तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब इस एल्कीन में दो कार्बन है तो दो से नाम बनता है इथ। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है तो ईन आएगा और ये है अमीन, दैट इज कॉल्ड इथ ईन अमीन। अब इस एन पे मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, इथाइल भी जुड़ा हुआ है, तो हमें हर एक की पोजीशन को डिफाइन करना है यहाँ पे। तो इथाइल मिथाइल में ई पहले आता है और इथाइल जुड़ा है किसके साथ? एन के साथ। तो लिखा जाएगा एन इथाइल। उसी तरह जो मिथाइल है वो जुड़ा होगा इस एन के साथ तो लिखा जाएगा एन मिथाइल। तो ये इसका नाम हुआ एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमीन, लाइक दैट। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, उसके बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है तो हमें भी स्ट्रक्चर का नाम करना है। चलिए तो पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बनेगी लॉन्गेस्ट चेन और ये बनेंगे हमारे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में एक हमारे पास पी प्रोपाइल है और ये हमारे पास इथाइल है। तो इथाइल का ई पहले आता है तो लिखा जाएगा ये एन इथाइल, उसके बाद लिखा जाएगा एन प्रोपाइल।
अब ये है मेन चेन, इसमें हमारी काउंटिंग इस साइड से होगी, तो 1, 2, 3, 4, क्योंकि इसमें अमीन की प्रेफरेंस डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। ओके, तो 4 कार्बन से बनता है ब्यूट, 2 पे ईन है तो 2-ईन, और 1 पे अमीन है तो दैट विल बी कॉल्ड अमीन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया एज वी कैन सी। तो इसी तरह हम बाकी कंपाउंड्स के भी नाम कर पाएंगे इसी मेथड की हेल्प से। उसके बाद हम ज़रा आ जाते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो अमीन्स जो है मेरे पास वो अमोनिया से डिराइव हुए हैं, और हम ये जानते हैं कि अमोनिया में एच बॉन्डिंग हो सकती है। किस तरह से, ध्यान दे ज़रा, NH, 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 तो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में ये जो है यहाँ पे, ये हमारी एच बॉन्डिंग है, और एच बॉन्डिंग बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो अब हम एक रूल लिखते हैं यहाँ पे कि अगर कार्बन्स का नंबर सेम है, किस में सेम है, प्राइमरी अमीन में, सेकेंडरी अमीन में, टर्शरी अमीन में, या फिर क्वार्टनरी अमीन में, अगर इन सभी अमीन्स में कार्बन का नंबर सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी। इसके लिए हम क्वार्टनरी को इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस में हमारा टर्शरी तक ही आता है, बट अगर हम देखें तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा, बिकॉज क्वार्टनरी हमारा सोल्ट की फॉर्म में रहता है, किसी और आयन से बॉन्डेड या कंबाइंड रहेगा ये। तो हम इन्हीं तीन पर ध्यान देंगे अभी। एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो लेट से मेरे पास है ये CH3, CH2, CH2, NH2, ये हुआ प्रोपेनामीन। उसके बाद जो बड़ा होगा CH3, CH2N, CH3H, यानी कि एन मिथाइल इथेनामीन, और फिर हमारे पास लास्ट में आएगा ये, यानी कि NN डाइमिथाइल मिथेनामीन। ध्यान दें तीनों में तीन तीन कार्बन हैं, तो इसमें प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग हो सकती है। रूल नंबर 2, अब मान लीजिए कि कार्बन का नंबर अलग अलग है, तो रूल अब ये है कि जिसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मोर कार्बन नंबर, मोर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लो कि मेरे पास ये प्रेजेंट है मिथेन अमीन, और मेरे पास मान लीजिए ये प्रेजेंट है एन मिथाइल मिथेन अमीन, तो इसमें, इन दोनों में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बिकॉज इट हैज़ मोर नंबर ऑफ कार्बन्स, और नंबर ऑफ कार्बन्स अगर ज़्यादा होते हैं तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, तो मोर सरफेस एरिया, मोर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, लास्ट में हम करने वाले हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वाटर के अंदर, पोलर सॉल्वेंट है ये, तो वाटर की खासियत क्या होती है कि एच बॉन्डिंग कर सकता है। तो जो स्पीसीज वाटर के साथ एच बॉन्डिंग कर पाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम ऊपर देख चुके हैं यहाँ पे अभी कि प्राइमरी में एच बॉन्डिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू टर्शरी, एंड एज़ कम्पेयर टू क्वार्टनरी। तो जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सो दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी।
क्वार्टनरी में सोल्युबिलिटी का ऑर्डर अलग तरीके से आता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास हो जाती है हाइड्रेशन ऑफ द आयन। तो क्वार्टनरी में होती है हमारे पास आयन की हाइड्रेशन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक तरह का आयन डाइपोल इंट्रैक्शन करते हैं वहाँ पे, और आयन डाइपोल इंट्रैक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अमोनिया के कुछ सोल्ट सोल्यूबल होते हैं। ध्यान रखें, क्वार्टनरी में हमारे पास क्या आती है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से हमारे क्वार्टनरी अमीन्स भी सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास है कैटायनिक डिटर्जेंट। तो कैटायनिक डिटर्जेंट में हमारे पास अमोनिया का क्वार्टनरी सोल्ट होता है, और कैटायनिक डिटर्जेंट पानी में बहुत अच्छे सोल्यूबल भी होते हैं। ध्यान रखें कि क्वार्टनरी में सोल्यूबिलिटी का जो ट्रेंड है वो एच बॉन्डिंग के बेस पे नहीं आता है, वो आता है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन के बेस पे, और ये इंट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th चैप्टर 5 में, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो तब तक के लिए इसे आप समझें, देखें ध्यान से। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स एंड उसकी कुछ रिएक्शंस। आफ्टर दैट विल प्रोसीड टू एनिलीन एंड डाइजोनियम सॉल्ट। तब तक के लिए थैंक यू, बी सेफ एंड स्टे हेल्दी।